हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सेवक सिंह और आप देख रहे हो मिस्टर सेवक मैकेनिकल चैनल। आज की दोस्तों जो वीडियो है वो है एक गैस गीजर की रिपेयर। यह वाला गीजर है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यह पानी गर्म नहीं कर रहा। जो इसका बर्नर है इसके ऊपर आग जलनी चाहिए जैसे आप इस फोटो में देख रहे हो, लेकिन यहाँ पर आग नहीं जल रही। क्या कारण हो सकता है, जो भी फॉल्ट है हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। यह वाला हमारा गीजर है, मैं अभी आपको इसकी जो गर्म पानी वाली टूटी है उसको छोड़ रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको स्पार्क और आवाज़ सुनाई देगी। इससे यह पता चलता है कि हमारा गीजर सही है। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि जहाँ पर स्पार्क भी हो रहा था, लेकिन स्पार्क के बाद जहाँ पर आग लगनी चाहिए वो आग नहीं पकड़ रहा है। इसमें दो कारण हो सकते हैं, या तो यह वाला जो गैस है आपका वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन जहाँ पर गैस सिलेंडर भी नया है और यह वाली जो रिले है जिसको SV वाल्व कहते हैं यह भी ओके है, फिर भी यहाँ पर आग नहीं आ रही, क्योंकि पाइप के जरिए और SV वाल्व के जरिए जब गैस यहाँ पर आएगी, जब ये ऑन होगा तो उसके अंदर जो प्लंजर है इसका रिले के अंदर वो पीछे की तरफ चला जाएगा और गैस बर्नर तक पहुँचेगी। SV वाल्व का यही काम होता है, लेकिन ये सब कुछ सही है फिर भी आग नहीं लग रही। तो इसमें जो प्रॉब्लम है मेन, अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम आए, या तो आपका SV वाल्व ख़राब होगा या आपका यह वाला जो साइड में एक कंट्रोल बॉक्स लगा हुआ है ये ख़राब हो सकता है। यह वाला जो कंट्रोल बॉक्स है, जितने भी इसमें सेंसर लगे हुए हैं, बैटरी है और 12000 वोल्ट ये बनाकर स्पार्क बनाता है, वो सब कुछ इस कंट्रोल बॉक्स में ही है, तो इसमें ज़्यादा फॉल्ट आ सकता है। यह वाला जो कंट्रोल बॉक्स है ये 3 वोल्ट पर ऑपरेट होता है और 3 वोल्ट को 12000 वोल्ट में यहाँ पर कन्वर्ट कर देता है, जो यह स्पार्क के लिए लगे हैं प्लग यह वाले, तो ये इसको 12000 वोल्ट यहाँ पर होती है, इसके ऊपर लिखा भी जाता है यह काम है इसका। लेकिन ये 12000 वोल्ट तो बना रहा है, लेकिन जो SV वाल्व है इसको ऑन नहीं करवा रहा, तो इसके लिए हम यह वाला जो कंट्रोल बॉक्स है इसको उतार कर नया लगा कर इसको हम चालू करेंगे, क्योंकि इसमें और कोई भी फॉल्ट नहीं है। जो यह वाले प्लग है ये इसको जंग लग चुका है, तो हम इसी प्लग को इसी तरह से रहने देंगे क्योंकि ये काम कर रहे हैं। जो इसके साथ नए प्लग आते हैं कंट्रोल बॉक्स के साथ वो हम नहीं लगाएंगे। तो जो 3 वायर थे इसकी 12000 वोल्ट वाली वो हमने उतार दी। उसके बाद जो SV वाल्व का जैक है ये हम उतार देते हैं। ये दोस्तों लगाना काफ़ी आसान है कंट्रोल बॉक्स, क्योंकि जितने भी इस पर जैक दिए गए हैं लगाने के लिए वो सेम है, क्योंकि एक का जैक दूसरे के जहाँ नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि आप ऐसा करें कि जब ये नया कंट्रोल बॉक्स लगा रहे हो तो पहले उसकी एक वीडियो बना लो अपने मोबाइल से कि कौन सी वायर कहाँ से हमने उतारी है, फिर आपको आसानी रहेगी। और जो इसका प्राइस है यह तकरीबन, तो ये लगाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप इसकी एक वीडियो बनाकर रख लो पहले लगाने से पहले। जैसे यह वाला मैग्नेट सेंसर जैक है, उसके बाद यह स्विच के लिए है क्योंकि इसमें अभी स्विच नहीं है। ये इसका थर्मिस्टर है जो कि सेंस करता है कि पानी गर्म आने लगा है और लाइटर को बंद कर दे। ये इसका मैग्नेट स्विच है।
तो इस पर आप देख सकते हो कि 3 वोल्ट डीसी इनपुट और जो आउटपुट है वो 12 kV, मतलब कि 12,000 वोल्ट यह निकालता है स्पार्क के लिए। इसलिए इसको एक जो सिरेमिक प्लग लगाए जाते हैं ताकि ये शॉर्ट ना हो, और ये स्पेशल केबल लगाई जाती है कि जो इसका करंट है वो लीकेज ना हो। ये इसकी वायर है जो कि SV वाल्व बैटरी को एक साथ में, एक LED है जो कि पहले ऑन होता है जितने समय ये स्पार्क प्लग चलते हैं तब तक, और ये वाली जो पहले वाली डिब्बी है इसको उतार कर आप नया ये लगा सकते हो। एक इसकी बॉडी को अर्थ किया जाता है तो वो भी ये अलग से वायर है, इसके साथ भी वायर आएगी और वो लगा देना आपने। और ये लगाने के बाद आप इसको चला सकते हो, आपका गीजर ऑन होगा ही होगा। तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी, पहले भी हमने काफ़ी वीडियो इस पर बनाई हुई है, आगे भी हम इस पर वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।